हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आई मैं आपको महाराष्ट्र की सबसे फेमस डिश बनाना सिखाऊंगा। आई मैं आपको सिखाऊंगा महाराष्ट्र स्टाइल चिकन रसा घर पर कैसे बना सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हैं ना महाराष्ट्र स्टाइल चिकन रसा घर पर कैसे बना सकते हैं, तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। उसके बाद आप इस तरीके का चिकन रसा घर पर बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन रसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए होगा। चिकन लिया यहाँ पे मैंने ब्रेड इसका लगभग 750 ग्राम है विदबोन चिकन का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे, उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। सबसे पहले आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, उसी के साथ में एक छोटा चम्मच भर के रेड मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, उसी के साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी मिर्च डाल दी, उसके बाद चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हल्दी मिर्च क्यों डाली, क्योंकि चिकन में कलर अच्छा आएगा हल्दी मिर्च डालने से जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो। और एक बात, जब हमने चिकन को मैरिनेट करना है उससे पहले चिकन को धो लेना है। यहाँ पे मैंने 2-3 पानी से चिकन को पहले ही धो लिया था, आपने भी इस तरीके से चिकन को धो के मैरिनेट करना है। कढ़ाई लिए यहाँ पे मैंने तेल ऐड करेंगे, रिफाइंड तेल का यूज़ कर रहा हूँ चिकन को फ्राई करने के लिए। आप कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हो चिकन फ्राई करने के लिए। तेल डाल दिया, उसके बाद तेल में हमने चिकन डाल देना फ्राई करने के लिए जो मैरिनेट करके रखा था। आपने भी इस तरीके से ना तेल डाल के ना चिकन को फ्राई करने के लिए तेल में डाल देना है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे मैंने सारा का सारा चिकन फ्राई करने के लिए तेल में डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं चिकन को फ्राई करके क्यों डाल रहा हूँ, चिकन को फ्राई करके डालने से क्या होगा, एक तो चिकन के पीसेस टूटते नहीं है, दूसरा चिकन को बनने में ना जल्दी हो जाती है, इसलिए आपने भी चिकन को फ्राई करके ही डालना है। और एक बार चिकन को हमने फ्राई कितना करना है, सिर्फ 50% तक ही चिकन को फ्राई करेंगे, फुल फ्राई नहीं करना है हमने चिकन को। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे मैंने चिकन को फ्राई कर लिया। अब चिकन को फ्राई कितना किया, कम से कम 50% तक तो मैंने चिकन को फ्राई कर लिया, बाकी इसको हम ग्रेवी में पकाएंगे। तो देख सकते हो अब चिकन को निकाल के एक बोल में डाल दिया, अब ग्रेवी बना के तैयार करते हैं। उसी के साथ अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का हम पेस्ट बना के तैयार करेंगे। लहसुन लिया यहाँ पे मैंने 15 से 20 कलियाँ, उसके साथ में हमें अदरक भी चाहिए होगा मोटा मोटा, यहाँ पे मैंने अदरक काटा है, इसके हम पेस्ट बनाएंगे। उसके साथ में यहाँ पे मैं 5-6 हरी मिर्ची भी डाल रहा हूँ, मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हो। उसी के साथ में थोड़ा सा यहाँ पे मैं फ्रेश मिंट का यूज़ कर रहा हूँ, मिंट की जगह आप हरे धनिया का यूज़ कर सकते हो। मेरे पास हरा धनिया नहीं था इसलिए मैं मिंट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास हरा धनिया होगा ना, आपने हरा धनिया डाल देना है मिंट की जगह। अब हम इसकी बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे मिक्सर जार में। तो इस तरह से हम अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनानी है मिक्सर जार में। जिस कढ़ाई में मैंने चिकन को फ्राई किया ना, उसी में हम चिकन को बना के तैयार करेंगे। तेल थोड़ा सा बच गया ना, उसी में हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, साबुत जीरा डाल रहा हूँ यहाँ पे मैं। उसी के साथ यहाँ पे मैं 1-2 तेज पत्ता डाल रहा हूँ। उसके बाद हमने इसमें पेस्ट भी डाल देनी है, हरी मिर्ची अदरक लहसुन की जो पेस्ट बना के तैयार की है ना वो डाल देंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्ची की पेस्ट डाल दी, उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू थोड़ी देर के लिए पलटा चलाते रहना है। इस पेस्ट को हमने अच्छी तरह से पका लेना, कच्ची स्मेल आती है ना अदरक लहसुन की वो नहीं आनी चाहिए, इसको आराम से पकने देंगे हम। इस कढ़ाई को हमने दूसरी भट्टी पर चढ़ा देना है, गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। इस पेस्ट को हम आराम से पकने देंगे, इस भट्टी पर हम दूसरी तैयारी करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर हमने ड्राई कोकोनट लिया है, इसको हम भट्टी पर जलाएंगे, इसकी हम ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे मैं कोकोनट को अच्छी तरह से भट्टी पे जला रहा हूँ, आपने भी इस तरीके से कोकोनट को जलाना है अच्छी तरह से। तो देख सकते हैं अब आपने भी इस तरीके से कोकोनट को अच्छी तरह से जला लेना है। उसी के साथ में हमें एक प्याज भी चाहिए होगा, प्याज को भी हमें उसी तरीके से जलाएंगे जैसे हमने कोकोनट को जलाया, अच्छी तरह से इसको बाहर से जला लेना, इसका जो बाहर का छिलका होता है ना अच्छी तरह से जलना चाहिए। इस तरह से हम प्याज को जलाएंगे ना काफ़ी अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा चिकन में। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे हमने प्याज को भी अच्छी तरह से जला लिया। उसके बाद एक टमाटर चाहिए होगा, टमाटर को भी हमने इसी तरीके से जलाना है। देख सकते हैं अब यहाँ पे हमने टमाटर को भी अच्छी तरह से जला लिया। उसके बाद इनको मिक्सर जार में पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। कोकोनट प्याज टमाटर को जला के उसके बाद इनकी कटिंग करके इनको मिक्सर जार में पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे मैंने कोकोनट प्याज टमाटर को अच्छी तरह से मिक्सर जार में पीस लिया, आपने भी इस तरीके से ना फाइन पेस्ट बना लेनी है मिक्सर जार में। तो देख सकते हो अदरक लहसुन हरी मिर्ची की पेस्ट अच्छी तरह से पक चुकी है। उसके बाद हमने दूसरी पेस्ट भी इसी ग्रेवी में डाल देनी है। उसके बाद मिर्ची मसाले भी ऐड करेंगे, रेड मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। मिर्ची कौन सी डालेंगे, कलर वाली मिर्ची डालेंगे। उसी के साथ में थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा, उसी के साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे। उसके बाद मिर्ची मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, उसी के साथ में स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। उसके बाद चिकन भी हम ग्रेवी में डाल देंगे, जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था। चिकन को ग्रेवी में डाल दिया, उसके बाद चिकन को आराम से पकने देंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है चिकन को पकाने में, इसको हमने आराम से पकने देना है। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है चिकन को पकाते समय। अब चिकन को हमने इस ग्रेवी के साथ कितनी देर पकाना है, कम से कम 10 मिनट तक इस चिकन को ग्रेवी के साथ पकाएंगे। 10 मिनट में ये चिकन बनके तैयार हो जाएगा, 50 से 60% हमने इसको फ्राई कर लिया था। तो देख सकते हैं आप चिकन को पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए, 10 मिनट में चिकन बनके तैयार हो चुका है। उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे और गर्म पानी का यूज़ करना है इस चिकन को बनाने के लिए। अब गर्म पानी डालने से क्या होता है, चिकन सॉफ्ट ही रहता है, ठंडा पानी डालेंगे ना चिकन हार्ड हो जाता है, इसलिए गर्म पानी का यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए। गर्म पानी डाल दिया, उसके बाद कसूरी मेथी ऐड करेंगे और कसूरी मेथी को क्रश करके डालना है इस तरह से। अब इसकी जगह रोस्टेड कसूरी मेथी का यूज़ भी कर सकते हो।
तो देख सकते हैं महाराष्ट्र स्टाइल चिकन रसा बन के तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।